तो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ अपनी एक नई सीरीज के साथ। तो हम लोग अपने चैनल पे एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो है डेली न्यूज, जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे देश में पिछले 24 घंटों में या एक दिन में या दो दिन में क्या हो चुका है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कचरा कचहरी में और आशा करता हूँ कि आप लोग जिंदा होगे। और अगर आप लोग जिंदा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मार दो भाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली अपडेट से। तो हम बात करने वाले हैं मोदी जी के एक इंटरव्यू की। आपको पता होगा रजत शर्मा करके एक जर्नलिस्ट हैं, जो कि आपके अदालत करके एक शो चलाते हैं। तो उन्होंने वहां मोदी जी का एक पुराना बयान सुनाया। आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने कहा, आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया, कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट के ऊपर। आपको याद होगा पुलवामा अटैक जो हमारे जवानों पर हुआ था, तो एक आर्मी के ऑफिसर हैं, वो ना इल्जाम लगाते हैं कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। वो क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। मैं मणिकेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ, इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूँ कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्ट थे हटा लिए गए। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे अपडेट के ऊपर। मोदी जी कहीं तो भाषण दे रहे थे, फिर उनके मुंह से वो निकल गया कि जिलों के कैपिटल। आपको पता होगा कि जिलों के तो कैपिटल होते नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो लो भैया, ये अपडेट देने में हम लोग लेट हो चुके हैं, लेकिन अपने सीएम, अपने दिल्ली के सीएम साहब बाहर आ चुके हैं। उनको 1 जून तक एंट्री बेल मिल चुकी है और बाहर आते ही उन्होंने अपनी एंट्री मारी लोकसभा इलेक्शन 2024 में। उन्होंने क्या बोला आप खुद सुन लीजिए। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है अब्दू भाई के बारे में। अब्दू भाई की शादी होने वाली है 7 जुलाई को, चले जा रहा है आप लोग भाई। तो अपनी शादी के लिए अब्दू भाई ने एक रील बनाई और उस रील में उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आई नेवर इमेजिनड इन माई लाइफ दैट आई विल बी सो लकी टू फाइंड अ लव हु रिस्पेक्ट्स मी एंड इट इज नॉट बर्डन बाय द ऑब्स्टेकल्स इन माई लाइफ। 7th ऑफ जुलाई सेव द डेट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस टू यू इन अ वर्ड हाउ हैप्पी आई एम। दिख भी रहा है अब्दू भाई। तो नेक्स्ट अपडेट है भैया आउट ऑफ द इंडिया। नासा वाले अपनी बंदे के लिए चांद पर रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, जो कि फ्लोट टेक्निक से बनेगा। सुन के अजीब लगाना, और इसका काम 2030 तक कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आप अपने चाहने वालों के साथ जाके घूम सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट है भैया ध्रुव राठी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दिल्ली के सीएम साहब अपने घर आ चुके हैं, इस पे ध्रुव राठी ने एक स्टोरी डालते हुए कहा कि थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट फेजेस ऑफ इलेक्शन विल बी अ लिटिल बिट मोर फेयर नाउ। तो उस स्टोरी का जवाब देते हुए ओपन लेटर ने एक ट्वीट किया। तो वो ट्वीट था, 1 जून तक की जमानत है, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, अभी भी की अक्यूज्ड है, लेकिन इंडिपेंडेंट यूट्यूबर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पापा घर आ गए हो और ये बताएंगे कि कौन अंधभक्त है। तो अगली अपडेट भाई देश की सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी। वैसे ये देखने की इच्छा हमारी तो है ही नहीं। तो राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया है ओपन लेटर ऑफ डिबेट। देखो उन्होंने क्या बोला खुद सुनो। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।